नमस्कार, मेरा नाम दीपा शाक्य है। मैंने एमए किया है हिंदी लिटरेचर से और मैंने डीएड भी किया है। मुझे शिक्षा में 12 वर्षों का अनुभव है। मेरे ज़िले की विशेषता है कि सरगुजा ज़िले में पुरातात्विक कलाओं और प्राचीन मंदिरों को प्रदर्शित करता है। यहाँ कई स्कूल और कॉलेजेस भी हैं, साथ ही यहाँ कई पर्यटन स्थल भी हैं। मैं शासकीय प्राथमिक शाला बकमेर में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 54 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या थी कि जब मैं बच्चों को कोई टॉपिक समझाती थी तो कुछ बच्चे तो जल्दी समझ जाते थे, लेकिन कुछ बच्चों को समझने में समय लगता था। उनकी सीखने की गति धीमी थी और उनको समझाने के लिए मुझे कई गतिविधियों का प्रयोग करना पड़ता था। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी कई ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिसमें पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में भी शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे फ़ायदा मिला है कि मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी मुझे उसे ठीक प्रकार से अपने बच्चों के साथ क्रियान्वित करना मतलब कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीकों को सीखा, जैसे कि ZII का जो ऐप है उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद एक टेस्ट के रूप में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो गेम की तरह खेला भी जा सकता है। उसी तरह से हम बच्चों के साथ भी अपने छोटे छोटे प्रश्न बनाकर खेल सकते हैं या बच्चों से पूछ सकते हैं। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZII के प्रशिक्षक श्री ओम प्रकाश सर जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग दिया। मैंने समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि जहां मैं सभी बच्चों के स्तर को जानने के लिए एक ही तरीके का प्रयोग करती थी, वहां मैंने प्रशिक्षण के बाद आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जिसमें मुझे बच्चों के स्तर व उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला। साथ ही मैंने अपनी गलतियों को भी जाना और उसमें सुधार भी किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है क्योंकि मेरे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पूर्ण रहती है। वे सदैव सीखने के लिए ललायत रहते हैं। बच्चे सदैव हमेशा समूह में कार्य करते हैं और चाहे वो स्कूल से संबंधित कार्य हो या पढ़ाई से संबंधित। स्कूल से संबंधित कार्यों में समुदाय भी अपना पूर्ण सहयोग देता है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।